राष्ट्रीय जनता दल अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के अगला मुख्यमंत्री के रूप में नामित कर चुके हैं। और ख़ास करके महागठबंधन में हमारे नेता से कुछ गलतियां हुई थी कि इन लोगों को लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट आवंटन करने का काम किए। रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव। सर, आप आरजेडी का विधायक है और भकरी से बेगूसराय से विधायक है, मगर आपकी पार्टी से तीन जो बड़े नेताओं जो कहे जाते हैं और सब हट गए। अपने आप मांझी जी के फ्लैट पर मीटिंग चली है और कह रहे हैं कि राजद की तरफ से मान है तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री, मगर हम नहीं मानते हैं जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं होता है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के अगला मुख्यमंत्री के रूप में नामित कर चुके हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में ही मैदान में जाने का फैसला लिया है। सहयोगी दल तो आप नहीं मान रहे हैं? और महागठबंधन में जो ये लोग आए हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, जीतन राम मांझी जी हों और सनवाब मल्ला मुकेश सहनी जी हों, ये लोग जो कल भी बैठक किए हैं, कहीं भी बैठक किए हैं और महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर ही मुख्यमंत्री के प्रस्ताव की बात सोच रहे हैं, तो सभी जानते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी विगत विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ उनका समझौता था और 15 सीटों में पर बिहार में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किए और मात्र एक सीट से स्वयं जीत कर आए। दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन वह अपना सीट भी ना बचा पाए। और आदरणीय कुशवाहा जी जो केंद्र में मंत्री भी थे, जिनके पास 3 विधायक थे, उनका स्वभाव देख करके, उनका राजनीतिक फैसला देख करके तीनों विधायक उनको साथ छोड़कर चले गए। उनके साथ एक भी विधायक नहीं। सन्न और मल्ला नए हैं, वो आए हैं, उभर कर आए हैं, वो अपने स्वजातियों के बीच में घूमने का काम किए हैं, उसके बल पर वो भी चाहते हैं हम आगे बढ़ें। और ख़ास करके महागठबंधन में हमारे नेता से कुछ गलतियां हुई थी कि इन लोगों को लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट आवंटन करने का काम किए। उपेंद्र कुशवाहा जी को 5 जगह से उम्मीदवारी तय किया गया, उनके पास उम्मीदवार ऐसा नहीं था, वो स्वयं दोनों जगह दो दो जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह से हार गए। हमारे सनवाब मल्ला जी हैं, उनके पास भी कोई जीता हुआ उम्मीदवार नहीं था, वो भी बाहर से उम्मीदवार लाकर लोकसभा प्रत्याशी बनाए। जीतन राम मांझी जी के पास भी कोई अपना उम्मीदवार नहीं है, उस समय नहीं था, नया भी है, जो चुनाव जीत सके जिताऊ उम्मीदवार हो उनके पास भी नहीं है, वो भी दूसरे जगह से उम्मीदवार लाए। नतीजा सारे के सारे लोग चुनाव हार गए। और ख़ास करके जो गठबंधन बना था, इन नेताओं के बीच में ही गठबंधन बन के रह गया, जो जाति फैक्टर के आधार पर लिया गया था कि इनके पास इस वर्ग के इतने वोट हैं, इनके पास इतने वोट हैं, लोकसभा चुनाव में वो कोई फैक्टर काम नहीं किया, सबों ने एक दूसरे के विरोध में वोट देने का काम किया। नतीजा तो हुआ था, सहनी जी भी अलग कैंडिडेट उतार रहे थे, मांझी जी भी अलग कैंडिडेट बिहार में उतारे हैं। सही है, मांझी जी भी अपने स्तर से कर किए, सन्नव मल्ला भी किए, कुशवाहा जी भी किए और आज भी ये लोग अपने स्तर से अलग अलग बैठक करके दबाव की राजनीति बना रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे तो हम उम्मीदवार बन जाएंगे। एमएलसी तो आपकी पार्टी बना दी है के बच्चे को। जीतन राम मांझी जी हमारे दल में ही थे, पूर्व में हैं, शिक्षा राज्य मंत्री थे, हम उस समय हम लोग भी पार्टी में थे। फिर जिन्होंने जब जदयू में गए, इनको मिनिस्टर बनाया गया था और किन्हीं कारण से इनकी मिनिस्ट्री पद भी वापस ले लिया गया था तुरंत, जहाँ पर चार्ज है आप नहीं बन पाएंगे, हटा दिया गया था। बाद में उन्हें आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कृपा से वो मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद
वो अपने बेटा तक को भी MLC नहीं बना पाए, जबकि दर्जनों MLC उनके सिग्नेचर से बना। लेकिन जब महागठबंधन में आए तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमारे आला कमान लालू प्रसाद जी के निर्देश पर उनके बेटा को MLC बनाने का काम किया, जो आज MLC हुए, नहीं तो उनके परिवार में कोई MLC नहीं रहता। और वही व्यक्ति आज बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के हम भी उम्मीदवार हो सकते हैं, तो बताएं उनके पास कितने विधायक अभी हैं। हमारे नेता के पास अभी 80-81 विधायक हैं। पूरे बिहार में जितने भी पार्टी है, जो सरकार में भी पार्टी है, उन सबसे ज़्यादा विधायक RJD का है। और ऐसे परिस्थिति में RJD को माइनस करके महागठबंधन बना के दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लेकिन RJD ने घोषणा कर दिया है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे और अगला भविष्य वही है, अगला भविष्य वो है और आने वाले चुनाव में वो मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, ये बिहार की जनता भी मान लिया है और ठान लिया है। और अभी इन लोग जो दबाव के राजनीति कर रहे हैं, अभी आपने देखा राज्यसभा का चुनाव था, उपेंद्र कुशवाहा जी, राहुल जी यहाँ भी चले गए, दबाव के राजनीति करना शुरू किए कि इन्होंने पूर्व में ही वादा किया था वादा निभाना चाहिए। पूर्व में क्या वादा था पार्टी के लोगों को भी जानकारी नहीं थी, उच्च नेतृत्व को जो भी मालूम हो किए हो वो अलग बात है। कहने का मतलब कुशवाहा जी, लेकिन कहने का मतलब अभी ये है आगे आने वाले विधान परिषद चुनाव जो है इसमें ये लोग अलग ढंग से पूरे प्रयास कर रहे हैं, दबाव के राजनीति बना रहे हैं कि अगला विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अदर दल के जो लोग हैं उनको भी सीट दिया जाए। इनका मकसद यही है, दूसरा कोई मकसद नहीं है। मांझी जी सुबह में मान लेते हैं, शाम में मुकर जाते हैं। चन्नो मल्ला भी मान चुके हैं, हमारा वही उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री का, तेजस्वी जी ही। उपेंद्र कुशवाहा भी मान कभी कह दिए थे उम्मीदवार हैं, लेकिन अब दबाव की राजनीति की बात कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमको मिल जाए, विधान परिषद में भी हमारी उम्मीदवार हो जाए। ये सब इन लोगों का आंतरिक मामला है, लेकिन हमारा नेता तेजस्वी यादव जी हैं और अंतोगत्वा महागठबंधन का उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी होंगे, दूसरा कोई नहीं होंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाएगी।